Assalamu alaikum. My intentions was not to make this vlog, but I have to make it. Reason ye ki aap logon ko dikhana tha ki my lifestyle in Sahibad aur how am I living here, a 17 years old teenager, how he is living in here aur wo apne vlogs wagera aur wo kis tarah banata hai blah 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 something else. So assalamu alaikum yaar, kya hal hai, aap sab log theek hi honge bilkul. Aur main aaj aap logon ko bore bilkul nahi karunga apni seat par mazid baith ke wahan pe apni baatein karke bilkul aap logon ko bore nahi karunga. So here I go. So आज का यार ब्लॉग जो है कि मैं जो है सुबह की मॉर्निंग हो चुकी है. लेट मी शो यू द मॉर्निंग फर्स्ट, देन वी गोना गो टू अनदर थिंग. बाद में बात करेंगे, उसी बात करेंगे. ये होती है हमारी यहाँ की सुबह. सुबह सुबह की ताज़ी हवा, सुबह सुबह के ताज़े ताज़े झोंके हवा के एक इंसान को अंदर से ही बहुत ज़्यादा खुशाइंद कर देते हैं, और जो कि ये मुझे करती है. सुबह सुबह वैसे मैं ज़्यादा देर तक उठता नहीं हूँ, बट आज उठाऊँ तो एहसास हो रहा है कितनी ज़्यादा खूबसूरत है सुबह की सुबह, और उसकी एयर, द नेचर, द एवरीथिंग जो कि हम स्किप कर देते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है लेकिन करनी नहीं चाहिए. और हाँ, फोकस का अगर मसला बने तो उसके लिए माजरत, और जूम का भी मसला बने तो उसके लिए भी थोड़ी सी माजरत. o'clock in the morning and I have to be ready for the college. तो अभी जो है रेडी हो रहा हूँ. सुबह सुबह उठने का मकसद ये था कि आज मैं ब्लॉग बनाना है. सो ठीक है, अब नेक्स्ट शॉट इंशाल्लाह जो है मैं अपने कपड़े बदल कर जो है ना वो यूनिफॉर्म वगैरह उसके बाद जाना कॉलेज. कॉलेज के भी सीन्स इंशाल्लाह आज दिखाएंगे. सो स्ट्रेट इन फॉर द रेस्ट ऑफ द थिंग. ओके बाय. कुछ मैं आप लोगों में से किसी ने पूछा था मुझसे कि विच एडिटिंग ऐप यू यूज़ एंड विच किस फोन से आप एडिटिंग करते हो, व्लॉग किससे बनाते हो, या अपने बाकी सारे वीडियोज़ किससे बनाते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाईजान, मेरे जो अभी तक नाइन्थ वीडियो आई गेस मेरा ये बनेगा, या मे बी टेंथ मेरा वीडियो बनेगा, आई डोंट रिमेंबर, मैं बाद में बता दूंगा. तो ये सारे जितने मेरे वीडियोस बनाए हैं मैंने ये अपने फ़ोन से बनाए हैं, जो कि है हुवावे P20 लाइट, और इसे नोवा 3A भी कहा जा सकता है कुछ रीजन्स के अंदर. इट्स 128 GB सॉफ्टवेयर, यू नो जो भी. और उसका कैमरा फ्रंट आई गेस 16 है, बैक भी 16 ही है, नहीं बैक 16+2 है, फ्रंट 16 है. सो इट्स अ नाइस एंड गुड क्वालिटी ऑफ द कैमरा, बट नाइट टाइम के लिए थोड़ा आई एस एस के अंदर कम हो जाता है, और इस वजह से जो है ना स्टेबलाइजेशन वीडियो के अंदर होती है. ये बात मुझे अच्छी लगती है इसकी. 1080p के अंदर रिजल्ट है इसका, 4K रिकॉर्डिंग नहीं है, जो कि एक माइनस पॉइंट है. बट मुझे 4K रिकॉर्डिंग जो है मुझे चाहिए भी नहीं है फिलहाल, जो है ज़रूरत नहीं उसकी. अगर ज़रूरत पड़ जाए तो मैं वो किसी अपने कज़न के फ़ोन से कर लेता हूँ, या मतलब किसी फैमिली मेम्बर के फ़ोन से कर लूँगा, तो उसके मेरा मसला नहीं बनता. तो बेसिकली डिवाइस विच आई यूज इज दिस द आईपैड 2017, इट्स कॉल्ड, नाम यही है, स्पेस ग्रे एडिशन, जो 128 GB वाला है. और उसके अलावा वाईफाई सेलुलर दोनों ही हैं, इसकी एक प्लस पॉइंट. और आई मूवीज़ अंदर हैं, आई मूवीज़ के साथ ही मैं करता हूँ, जो कि मुझे पता है बड़ी सस्ती किस्म की होती है मेरी एडिटिंग, बट मैं इसी से करता हूँ अभी फिलहाल. बिगिनर्स हूँ तो इसमें यही, और बाकी मैं प्रीमियर प्रो भी सीखूंगा अभी थोड़ी देर तक, उसके बाद उसे कर लिया करेंगे. फिल्मोरा गो की मुझे अभी इतनी ज़्यादा समझ नहीं है, मैं उसे कर तो लेता हूँ लेकिन मुझे पसंद नहीं ज़्यादा इतना, या ये भी कह सकते हैं मुझे आता नहीं चलाना सही ज़रा. तो इसके अंदर एक और ऐप है जिसमें मैंने लास्ट टाइम क्यों मैंने किया था, जो कि है अडोब प्रीमियर रश CC. तो वो भी एक अच्छा है, लेकिन उसमें सिर्फ मेरे 3 ट्रायल्स मिली थी अंदर, और वो मेरी पूरी हो चुकी है. तो उसको रीइंस्टॉल करूँगा अपनी किसी दूसरी आईडी के साथ, तो उसी से बना ले करेंगे. लेकिन अभी इंशाल्लाह प्रीमियर प्रो सीखेंगे तो फिर आप गेम चेक करना भाई के. सो आई यूज़ दिस आईपैड, जो कि बहुत ज़बरदस्त है मेरे लिए, और बहुत ज़्यादा नायाब चीज़ें मेरे लिए. सो यही बताना था आप लोगों को. बाकी इसका अगर रिजल्ट कैमरे के मुताबिक बताऊँ तो ये बहुत ज़्यादा फजूल है, लेकिन बैक फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा है इसका. इसका मतलब मैं टाइम लैप्स भी दिखाता हूँ, जरा चेक करना एक मिनट. माइक अभी तक लिया नहीं है, तो उसका जुगाड़ हम कुछ इसी तरह लगाते हैं अपने हेडफोन्स के जरिए. लेकिन जिस तरह भी है मुझे पसंद है ये काम इतना, मुझे इसी तरह जुगाड़ लगा लगा के मैं सारे अपने वीडियोस बना लेता हूँ. आईपैड का एप्पल है तो फिर एप्पल ही, उनका बेशक 2 MP का भी कैमरा हो लेकिन वो बेस्ट क्वालिटी का होता है, ये मैं मानता हूँ इस बात को विदाउट एनी कंप्लेन और समथिंग एल्स. सो इसको इन पोशाक को भी उतार के नए लिबास के पहनना है हमने. See me in that. हमने स्कूल, सी भाई ने भी स्कूल जाना है और हमने भी कॉलेज जाना है. सो वहीं पे आपको मिलेंगे. बाय ग्राम, आई नो दैट, बट गुजारा करो भाई.
सारे फिजिक्स पढ़े जा रहे हैं और मुझे कख भी नहीं आता इस फिजिक्स मतलब जो बात है और मुझे भी नहीं कुछ भी आता लेकिन नंबर आपके फिर भी पूरे आ जा रहे हैं पता नहीं माइक का इस वक्त कितना मसला बन रहा होगा ऑडियो का आई डोंट नो अबाउट दिस लेकिन ये इसके फ़ोन से ले रहे हैं मैं अपना घर छोड़ कर आ गया हूँ हुज़ैफ़ा हुज़ैफ़ा को लास्ट टाइम वीडियो मिलिया था मेरा फ़ोन गुम गया था जो कि हमारी क्लास के पूरे बच्चे सलाम सुहेल ये खूबसूरत इंसान में चेहरा छुपाते हुए लिया था मैकडॉनल्ड्स वाले और से मेरा फोन गुम गया था और आज बिलाल वाले फोन से ले रहे हैं अल्लाह करके अभी गुआच जावे इसको लिया नजर नहीं लगेगी ये अपनी नजर लगेगी बस कर दे ये है हमारा पढ़ाकू बच्चा जितना पढ़ेगा इसका नंबर नहीं आ रहा बच्चा इतना पढ़ेगा नंबर फिर नहीं आने दे तो भाई अब इसके बाद आगे घर जाके आपको सिखाऊंगा जो है नेक्स्ट शॉट विल बी इन हाउस इंशाल्लाह जी तो मैं आया था चला यहाँ पे तवे वाली आइसक्रीम खाने के लिए और वो कैसे बनते हैं वो जरा आप लोग भी देख लें 300 रुपए की आइसक्रीम है जिसका मुझे दो डब्बे बड़े मिल सकते थे लीटर लीटर वाले और मुझे अब इतनी ज्यादा हो रहा है कि मैंने क्यों पैसे इसके ऊपर जाएगी लेकिन वैसे है टेस्टी मैंने किटकैट फ्लेवर लिया है और इसमें इस बंदे ने सिर्फ किटकैट का आधा पीस डाला और इस बाकी सीधा पता नहीं अंदर क्या क्या और मिक्सर वगैरह डालता रहा और जो 300 रुपये हो गया वेरी डन मेरे रोज यू नो लेकिन यार टेस्ट अच्छा है इनका आइस कर्ल्स हैं ये फर्स्ट टाइम आई गेस शाही वाल के इसको इंट्रोड्यूस किया गया इट्स अ नाइस थिंग पहले इसको मैं मो व्लॉग्स में देखता होता था कि किस तरह बनते हैं अब हमने भी देख लिया वेरी वेरी गुड चंगी गल है शाही वाल में भी अच्छी तरह की तरक्की है सो इट्स नाइस टू हैव समथिंग इन हेयर एज वेल सो अब घर वापस जाना है नहीं अभी इरफान की दुकान पे जाना है उससे जाके सीजन देने वाइकिंग्स के सीजन 4 और 5 फिर घर आना उनको देखना है और उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कुछ और अभी फिलहाल जाके फिर सोना है उसके बाद ठीक है this place where I used to make my many of my videos and I love to make my videos over here as well it is 8 o'clock in the night aur abhi jaakar jo hai kuch aur nahi karna sona se pehle jo hai na maine kaha tha thoda sa jo hai ye jo yani ki baad mein aapko bye bye jaake bol dunga so bye bye lekin se pehle aapko batana chahta hu ki we have successfully hit 1000 view on my that you know bangladesh wala jo mera tha wo quick house tour so thank you so very much guys for supporting that that video so very much and next year inshallah I don't think ke main udhar ja paunga bangladesh ya nahi agar ja paya to main ek ya do hafte ke liye I guess jaunga aur we have changed our home so that home is not for us anymore so we have changed it and I'm going to show you the new one so I'm excited a little bit as well so I on another side I'm sad as well because I love the people that are around us on that time and still all in my heart and they always gonna be remain there with myself so guys uske alawa we have hit I guess 150 se zyada my subscribers ho chuke hain so good yaar keep going main to bahut zyada apni jo hai na mashhoori kar raha hu logon ke samne ja ruk ke बाकी यार थैंक्स टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स जिसने यार मुझे बहुत ज़्यादा जो है ये सपोर्ट कर रहे हैं वासिल थैंक यू सो मच यार और ये उमर मुबशर हमारे सारे बेस्टीज वगैरह जो हैं और इसके अलावा यार एक और बात जो लास्ट में प्रैंक कॉल वाली जो बात मेरा हुआ था प्रैंक कॉल पार्ट 2 इसका जो इंसिडेंट आपने बता दिया वो मैंने पहले 19 मिनट की वीडियो डाली थी उसके बाद फिर उसको मैंने जो है निकाल कर उसमें फिर मैंने 12 मिनट की वीडियो डालने का मकसद ये था कि कुछ प्रॉब्लम्स आ चुकी थी मेरे और जाफर के साथ अला कि मैं जाफर से बिना पूछे नहीं ये डाला था आप स्क्रीनशॉट भी बेसिक चेक कर लें कि मैंने उसे कोई ऐसा मेरा था नहीं कि मैंने उसे बिना पूछे मैं ये वीडियो बनाई हो लेकिन बाद में उसको कोई प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे थे तो उस तरह से मुझे बोला था कि इसको डिलीट कर दे तो मैंने कोई बिना सोचे वगैरह मैंने दोस्त की बात सुनी
I deleted that. So अब मुझे इस कवर कोई है नहीं कि अगर तो उसमें 35 लाइक्स नहीं आया तो मैं पार्ट 3 नहीं बनाऊंगा. फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर जो है 110 से ऊपर व्यूज आ गए हैं और 20 लाइक्स आए गए, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है यार, बहुत कमाल की बात है. दोबारा अपलोड वही चीज़ को यार देखना व्यूवर्स इनके एक्टिव हैं आई मेरे पास. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग दैट आई डू हैव. सो अ कम्युनिटी विद अराउंड यू यार वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना मोटिवेट से ज़्यादा करती है. सो अब मैं तो जो है ना वीडियोस आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि बहुत सारे बनाया करूँगा. हफ्ते के अंदर तकरीबन एक आया करेगा या शायद दो हफ्तों में एक दफ़ा. मैं कुछ कह नहीं सकता कि मेरे फेस भी आने वाले हैं, सो उस वजह से जो है ना थोड़ा मुश्किल बना पड़ेगा, लेकिन मैं कर लिया करूँगा इंशाल्लाह. बाकी अब इंशाल्लाह एक या दो दिनों के अंदर मेरा पबजी वीडियो लाजमी आएगा. वो कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा. मैं पहले बता रहा हूँ मैंने फाइट नहीं खेला था, वो हमारा वो 20 मिनट का वीडियो बना था, लेकिन उसमें मैंने टिम करके मैंने किया, उसमें साउंड का मुझे बहुत ज़्यादा मसला आ रहा था और वीडियो क्वालिटी भी इतनी खास थी क्योंकि मैंने रात के तो मैंने जो है 11 या 12 बजे जाकर मैंने शूट किया था. और बस इसकी यही दो वजह थी जिसकी वजह से जो है ना ये लेट हो गया. और अब मेरी इन बातों की वजह से जो है ना ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, ये तो इतना होना नहीं था. सो थैंक यू सो मच गाइस. और इसके अलावा एक और एल्गोरिथम है यूट्यूब का कि अगर आप मेरे 24 वीडियोज ऐसे आते हैं जिनके ऊपर 1000 से ज़्यादा व्यूज़ आ जाएँ, वो जो कि 10 मिनट का एक एक हो, तो फिर मेरे वॉच टाइम आवर्स पूरे हो जाएंगे. 4000 टाइम का जो होगा मेरा वॉच टाइम आवर, जो मेरा गोल है वो पूरा हो जाएगा. तो आई मेक श्योर कि मेरे कुछ ऐसे ब्लॉग्स हों जो कि 1000 व्यूज से ऊपर हो जाए. मेरा एक तो हो गया है, बाकी भी इंशाल्लाह जो है दुआ है अल्लाह से भी हो जाए. पर आप इस फील्ड में मुझसे पूछा था कि जो है आपके हाउस योर फीट राइट नाउ, सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिखाता हूँ. सो इट्स समथिंग लुक लाइक दिस. पहले मैं ये नहीं दिखाना चाहता था, इसकी वजह ये थी कि इट लुक सो ग्रॉस एट द टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका था. उसके अलावा मैंने उस डॉक्टर जिसने मेरे साथ ये किया था पूरा इंसिडेंट की मैंने ए टू जेड मैंने एक वीडियो भी बनाई थी तकरीबन 11 मिनट की, जो कि मैंने वैसे फिर शेयर किया था कि मैंने कहा ऐसे मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन आई डोंट थिंक मुझे इसको अपलोड करना चाहिए कि जब मेरा पूरा ही पाउंड ठीक हो जाएगा ना उसके बाद फिर मैं शायद ये वीडियो डाल दूँ, लेकिन फिर मेरा मूड नहीं बना उसको डालने का, मैंने फिर डिलीट कर दी थी पकड़ के. हालांकि मैंने उसको बहुत ज़्यादा एडिट भी कर दिया था और मेरा तकरीबन वो रेडी थी वीडियो, लेकिन मैंने उसको नहीं डाला. और यार उसके अलावा जो एक और बात है आप लोगों से करनी थी कि मेरी एक ब्रेसलेट की वीडियो जो कि थी वो मैंने बनानी थी और जिसका मैंने अनाउंसमेंट भी की थी कि एपिक व्लॉग आएगा. एपिक व्लॉग यही था कि 2.5 इयर्स के बाद जो है ना मेरी ब्रेसलेट उतरनी थी, उसके बाद पूरा मैं व्लॉग बनाया था सुबह से लेकर एंड तक का. और आपने जितने भी ये मेरे अंदर क्लिप्स देखे हैं ना ये एग्जैक्टली सारे के सारे जो है ना कॉलेज वाले ये उसी दिन के मैंने बनाए हुए थे तकरीबन आपसे 3-4 दिन पहले के. लेकिन उस वक्त फिर मैं डॉक्टर पास मैं शाम को गया हूँ, तो उसने मुझे बोला नहीं अभी नहीं आपकी उतर सकती जो है ना एक महीने बाद उतरेंगी. तो फिर मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी मैंने जो है जाकर मैंने जरा स्टोरी अपनी लगाई थी कि यार मैं इसको अपलोड कर सकता हूँ या नहीं मैं इसको अपलोड कर सकता हूँ, मुझे बताओ यार कि मैं ऐसे क्लिक बेट ऐसे यूज़ कर लेकिन फिर मुझे कुछ लोगों ने मेजॉरिटी ने कहा था इसको अपलोड कर दो, लेकिन आई माई सेल्फ डोंट लाइक दिस थिंग कि मैं चाहता नहीं था कि मैं इस तरह का अपना कोई कंटेंट बनाऊँ जो कि क्लिक बेट के अंदर शामिल होता हो. तो इस वजह से जो है मैंने इसको फिर स्किप कर दिया उस पार्ट को, एंड देन आई यू नो कम टू दिस पॉइंट कि नहीं यार मैंने नहीं बनाना. तो मैं इसके अलावा मैं कोई और बना दूंगा ब्लॉग जो कि मैं अभी बना रहा हूँ. और ये सारा जो है ना शूट ये अभी मैंने 10 मिनट के अंदर किया अभी, आपको सही बात बता रहा हूँ. और वो छत वाले सीन थे ना वो तकरीबन दोपहर के 3 बजे के मैंने बनाए हैं, सुबह के 7 बजे के नहीं है वो 3 बजे के हैं. पता क्यों इस वजह से है क्योंकि ये एक मज़े की बात है कि अभी स्मोक पड़ी हुई है और स्मोक ने मुझे आज बचा लिया और मैं सारे दोपहर को मैं कहूँगा यार ये देखो ये दोपहर होगी तो आप लोगों ने मान लेना दोपहर हो गई है. अभी रात के मैं कह दूँ 10 बज गए आप लोगों ने मान लेना क्योंकि लाइट मेरे ऊपर सिर्फ है. अभी मैं तुम लोगों को बोल दूँ ऊपर जाके बोल दूँ कि सुबह के 5 बज रहे हैं तो तुम्हें तब भी मान लेना क्योंकि उसको स्मोक पड़ी हुई है, सूरज बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा. तो स्मोक सेव माई लाइफ टुडे, थैंक यू स्मोक फॉर दिस. सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो यार लाइक कर देना प्लीज़ और इनक्रेज कर देना थोड़ा सा कर देना. तो आई होप आई कैन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. डॉक्टर को मेरे ख्याल से मैं अच्छा लगने लग पड़ा हूँ ब्रेसेस के साथ, इस वजह से वो मैं जब भी चाहता हूँ वो कहता नहीं अभी नहीं, पहले भी गया हूँ कहता कर दूंगा, अगली दफ़ा आए गए तो कहते एक महीने बाद. व्हाट इज